को। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के संचार के बारे में। संचार के दौरान मंगल ग्रह 2 जून से जो है मिथुन राशि से कर्क राशि में आ गए हैं। कर्क राशि में मंगल ग्रह जो है वो नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेड हो जाते हैं, और वहाँ पे मंगल ग्रह का संचार कोई ज़्यादा सा शुभ नहीं माना जाता। हालांकि कर्क राशि उनके मित्र ग्रह चंद्रमा की राशि है, फिर भी वहाँ वो नीच के होते हैं, अतः ये कोई संचार ज़्यादा सा शुभ नहीं होता। मंगल ग्रह ब्रह्मांड में सेनापति के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि सूर्य राजा तो मंगल ग्रह सेनापति। अगर हम घर में मंगल ग्रह को गृहस्थी में कारक ग्रह मानते हैं तो वो भाइयों का कारक ग्रह मानते हैं। और इसके अलावा मंगल ग्रह को अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो वो ब्लड के कारक ग्रह हैं, सर्जरी के कारक ग्रह हैं, एक्सीडेंट के, और जो है हेडेक, आपकी जो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं जैसे, तो अगर कमज़ोर हो तो मंगल, तो ऐसे इनके कारक ग्रह माने जाते हैं। और इसके साथ साथ इम्यूनिटी के, अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो इसका मतलब मंगल ग्रह आपका कुंडली में कमज़ोर है, चाहे वो संचार के दौरान है, चाहे वो दशा में है, चाहे वो कुंडली में। ऐसे समय में आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में इस संचार के दौरान जिन राशि के जातकों को फायदा होगा वो हैं वृषभ यानी टोरस, उसके बाद दूसरी राशि है कन्या वर्गो, तीसरी राशि तुला जिसको कि हम लिब्रा कहते हैं अंग्रेजी में, और एक्वेरियस कुंभ राशि शनि की राशि। इन चार राशि के जातकों को इस संचार के दौरान मंगल का आपको बहुत फायदा होगा। कहाँ पे आपको इम्यूनिटी मिलेगी, बीमारियों से, अगर आप बीमार हैं तो बीमारियों से छुटकारा दिलाने में मंगल ग्रह के बहुत जो है इसके अंदर योगदान होगा। और इसके साथ साथ मंगल ग्रह इस संचार के दौरान आपको प्रमोशन, पदोन्नति अगर आप सर्विस में हैं, और मंगल ग्रह कारक ग्रह हैं किस चीज़ के, शादी के, जैसे कि अगर मंगलिक हैं आप तो ऐसे समय में शादी का डिले होना, शादी में मेल मिलाप ना होना, शादी में विघ्न बाधाएं आना, तो इस तरह से मंगल ग्रह का अगर आप मंगलिक हैं कुंडली में तो जिसका विश्लेषण आप करवा सकते हैं। और ऐसे समय में अगर मंगल कमज़ोर है यानी कि नीच के चल रहे हैं और कुंडली में भी कमज़ोर हैं, तो अगर आपकी शादी में कोई विघ्न कारक हो रहा है तो यूँ समझिए कि आपका मंगल ग्रह कमज़ोर है और उसके उपाय ज़रूर करें। और मंगल ग्रह अगर हम व्यापार के हिसाब से देखें तो जैसे अग्नि के जितने भी व्यापार हैं, और इसके साथ साथ भूमि पुत्र हैं, जितने भी ज़मीन से संबंधित बिजनेस हैं, प्लाट वगैरह जो भी हैं, तो वो उसको भी मंगल ग्रह जो है डील करते हैं। और ऐसे समय में इन राशि के जातकों को दूसरी राशि के जातकों के निस्बत इस संचार के दौरान फायदा हो सकता है बिजनेस वगैरह में भी, अगर आप उठाना चाहें तो। और इसके साथ साथ अगर आपकी प्रमोशन, पदोन्नति, मिलिट्री पुलिस में भी मंगल ग्रह डील करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में सेनापति का दर्जा दिया गया है, तो मंगल ग्रह जो है एक क्रूर ग्रह भी हैं, और वो जो है मिलिट्री और पुलिस को भी डील करते हैं। तो जो मिलिट्री पुलिस में किसी की प्रमोशन रुकी हुई है, और ये जो राशियां मैंने बताई, इन राशि के जातकों को ऐसे समय में अपनी प्रमोशन वगैरह में फ़ायदा उठाने का अवसर मिलेगा, और इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी इन राशि के जातकों की दूसरी राशि के जातकों के निस्बत। अब मैं दूसरी राशि के जातकों को भी बताना चाहता हूँ कि ऐसे समय में आप मंगल ग्रह को मजबूत बनाएं कैसे। मंगल ग्रह के जो है आप मीठा, गुड़ वगैरह जो भी एनर्जी की चीज़ें हैं वो आप दान करें, और इसके साथ साथ मसूर की दाल है वो आप दान कर सकते हैं, और इसके साथ साथ लाल कपड़ा वो आप दान कर सकते हैं, हनुमान जी की उपासना करें तो उससे भी मंगल ग्रह जो है मजबूत होते हैं। और जितना आप हनुमान जी की उपासना करेंगे उतना ही मंगल ग्रह को मजबूत पाएंगे, और जिससे आप मंगलवार को जो है धार्मिक रहें और हनुमान जी की उपासना करें, ताकि आपका मंगल ग्रह आपको फायदा कर सके और नुकसान ना दे। और इसके साथ साथ अगर आपकी शादी में विघ्न बाधा आ रही है तो भी आप मंगल ग्रह के जो मैंने उपाय बताए हैं उनको कीजिए, कि अगर आप जितना मंगल ग्रह के उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे,
तो उतना ही आप मंगल ग्रह के मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। ओम अंगारकाय नमः, सिंपल सा मंत्र है, एक माला डेली आप कीजिए। अगर आपके कोई विघ्न बाधा है, हनुमान जी के मंत्र पढ़िए, सुबह शाम उपासना कीजिए, तो मंगल ग्रह आपको फायदा करेंगे। आपकी शादी वगैरह में विघ्न बाधा है वो भी दूर होगी, आपकी प्रमोशन तरक्की में विघ्न बाधा है वो भी दूर होगी, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो वो भी मजबूत होगी, और इसके साथ साथ आप जो है एनर्जेटिक बनेंगे, एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, और जिससे कि आपके कामों में रुकावटें जो हैं वो दूर होंगी। अतः किसी भी देश प्रदेश या किसी भी मनुष्य प्राणी जिसकी भी ये राशियां हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा दूसरी राशियों के निस्बत, और दूसरी राशि के जातकों को मैंने बताया कि वो भी अपने उपाय करें तो आपको फायदा होगा। और इस संचार के दौरान आप जितना मंगल ग्रह से फायदा उठा सकते हैं उठाइए, और मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।